जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ के व्रत के बारे में तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये ऐसा व्रत है अखंड सौभाग्य को प्रदान करने वाला ये व्रत है एक पति पत्नी के बीच एक मधुर रिश्ता मधुर प्रेम को उजागर करने वाला ये व्रत है और ये व्रत बड़ा ही तप और प्रतितक्षा के साथ रखा जाता तो 20 तारीख को 20 अक्टूबर को ये व्रत पूरे देश में क्या पूरे विश्व में मनाया जाता है और सत्य सनातन धर्म में वास्तव में बहुत ही सुंदर सुंदर ये तीज त्यौहार पर्व हमें देखने को मिलते हैं जहाँ रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं वो धागा नहीं वो प्रेम से लिप्त धागा होता है वो रक्षा सूत्र होता है और भाई बहन का प्रेम देखते ही बनता है उसी तरफ जब ये करवा चौथ आता है तो करवा चौथ में भी किस प्रकार से पत्नियाँ भूखे प्यासे रह कर के संध्या के समय ये संध्या के कई बार तो काफ़ी रात्रि सी भी हो जाती है भगवान रजनीश के दर्शन करने के उपरांत चंद्रोदय होने के उपरांत फिर चंद्रदेव को पूजन करने के उपरांत आपने इस व्रत का पारण करती हैं। तो हमें 20 अक्टूबर में क्या क्या करना है किस प्रकार से करना है मैं आपको बहुत ही सरल विधि से संक्षिप्त तरीके से बेटा आप सबको बताने वाला हूँ जैसे आपसे बन पड़े बहुत अच्छे मन से शुद्ध मन से इसको करने का प्रयास करना और ये व्रत त्याग का भी प्रतीक है कि देखो इसमें किस प्रकार से जल को त्याग दिया जाता है कि साहब आज हम ऐसे भगवान शिव का पूजन करेंगे हम ऐसा भगवती जगदम्बा का इसमें पूजन करेंगे हम ऐसा भगवान रजनीश का पूजन करेंगे कि आज हम ऐसा प्रयास करें हम भगवान से ऐसी विनती करें कि हमारे परिवार में खुशहाली आए हमारे पति की आयु सुंदर हो दीर्घायु हो वो स्वस्थ रहें और उसी के साथ साथ अखंड सौभाग्य की कामना हम भगवान से करते हुए उसकी प्राप्ति भी करते हैं तो सबसे पहले सुबह स्नान आदि करने के उपरांत आपके यहाँ कहानी अपने अपने हिसाब से किसी के यहाँ सुबह इसकी कथा सुनी जाती है किसी के यहाँ संध्या के समय सुनी जाती है उस हिसाब से आप इस कहानी कथा को अपने हिसाब से जैसे जैसे आपके यहाँ की परंपराएँ हैं उस हिसाब से आप इसको देख लेना और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको भी समझा रहे हैं आइए आप लोगों ने ध्यान से सुने चौथ का व्रत अखंड सुहाग को देने वाला व्रत है करवा चौथ व्रत पति पत्नी के बीच अपार प्रेम का प्रतीक है करवा चौथ में चंद्र देवता की पूजा के साथ साथ भगवान शिव पार्वती स्वामी कार्तिकेय व श्री गणेश जी का भी पूजन किया जाता है जैसे भगवती शैलपुत्री अर्थात पार्वती जी ने गौहर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया वैसे ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हमें भी मिले इसलिए इसमें भगवान शिव पार्वती की पूजा भी की जाती है और हमें करनी चाहिए चंद्र उदय के बाद जब चंद्र निकल जाए चंद्र उदय के बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देकर ही जल भोजन ग्रहण इसमें किया जाता है तांबा या मिट्टी के करवे में चावल उड़द की दाल सुहाग की सामग्री कंघी शीशा सिंदूर चूड़ियाँ रीबन और कुछ रुपया सासू जी के पांव छूकर फल मेवा व सुहाग की सामग्री उन्हें दी जाती है भेंट की जाती है कहने का भाव हमेशा बड़ों से आशीर्वाद ही प्राप्त होता है सासू माँ के पांव छूकर के जब हम ये सामग्री उन्हें देते हैं तो उनके हृदय से एक बहुत ही स्नेहवरा शुभ आशीष सभी को प्राप्त होता है और हमारे घर के जितने भी बुज़ुर्ग हैं बड़े हैं वो हमेशा अपने बच्चों को आशीष ही देते रहते हैं इसलिए बेटे कई बार भाई सास और बहू आप कहने की आवश्यकता नहीं है तो हर चीज़ को भुला दीजिए आप बस ये समझिए कि मेरे परिवार में प्रेम रहे मेरे परिवार में प्रेम रहे मैं अपना जो भी कार्य है बहुत दक्षता के साथ करूं और बिल्कुल भेदभाव के साथ करूं इसलिए बेटा जहां पति की दीर्घायु के लिए आप इतनी तप्त दीक्षा करते हैं तो वहीं जो हमारे घर के बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं उनसे बहुत श्रद्धा भाव से आशीष लेना आशीर्वाद लेना भी न चुके किसी भी प्रकार के मैल को मन मुटाव को किसी भी तरह से हमें त्यागने का प्रसार हमेशा कर देना चाहिए ऐसा प्रयास मन में बना ही रहना चाहिए दूसरी बात भगवती शैलपुत्री देखो कैसा बड़ा पूजन है जिनकी इकतीस दिन की साधना चल रही है उन्हें तो और भी आनंद आएगा भगवती ने स्वयं यानी कि पार्वती जी ने स्वयं भगवान शिव की घोर तपस्या की है उन्हें प्राप्त करने के लिए और जहाँ जिनको महादेव की प्राप्ति हो जाए वहाँ किस बात की कमी रह जाती है तो इस व्रत में हम भगवती की उपासना भी करें भगवान शिव का भी हम पंचोपचार पूजन करें भगवान श्री गणपति का भी हम पूजन करें और जब चंद्र निकले जब रजनीश एक निखिल ब्रह्मांड में एक सुंदर नील गगन में जब रजनीश अपनी आभा को बखेरते हैं तो अपने आप में वो छटा बहुत ही सुंदर हो जाती है तो चंद्रोदय के साथ साथ भगवान शिव आदि सभी का पूजन करने के उपरांत ध्यान रखें चंद्रमा का पूजन करें एक प्लेट में दीप रख लें थोड़ा चावल रख लें थोड़ा मिष्ठान रखें जल रखें तो जैसे हम घर में भगवान की पूजा करते हैं धूप दीप अर्पण करते हैं सेम उसी प्रकार से चंद्रमा को सारी चीज़ें अर्पण की जाती हैं अर्घ्य दिया जाता है और फिर उसी थोड़े से बचे हुए अर्घ्य को ले लें उसी अर्घ्य से हम अपना व्रत को खोल लेते हैं भाई सुबह से पानी नहीं पिया जाता शाम तक का समय होता है कहना आसान होता है लेकिन उस व्रत को निभाना उस बात को निभाना वो बहुत ही कठिन होता है और ऐसी बात नहीं है जगदम्बा जननी जग्द बहुत हौसला देती हैं और बहुत शक्ति देती हैं कि वो शाम तक का समय धीरे धीरे पूरा हो ही जाता है अब ईश्वर न करे किसी के घर में बीमारियां ज़्यादा हों या पति ज़्यादा बीमार रहते हों या कही कहीं ना कहीं अस्वस्थ बने रहते हों तो ऐसी स्थिति में हमने कहा ना भगवान शिव की पूजा की जाती है तो मृत्युंजय मंत्र की आप पाठ कर सकते हैं ऐसे ही एक और मंत्र है भगवान शिव का बड़ा प्रिय मंत्र है उससे भी पति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता वो दोनों मंत्र भी हम आपको नोट करा देते हैं आप लोग नोट करें मृत्युंजय मंत्र इससे तो आप सभी परिचित होंगे सभी जानते होंगे ओम त्रियम बकम यजा महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमी व्यबंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृता इस मंत्र की एक माला दूसरा मंत्र लगे हाथ नोट करें ओम नमो परमात्मने पर ब्रह्म मम पतिष्य शरीरे पाहि पाही कुरु गुरु स्वाहा पुनः सुने ओम नमो परमात्मने पर ब्रह्म मम पतिष्य शरीरम पाही पाही कुरु गुरु स्वाहा ये दूसरा मंत्र है बहुत अच्छा मंत्र है मम मं पतिष्यम शरीरम मेरे पति का शरीर हे भगवान आपकी कृपा से स्वस्थ रहें वो उनकी आयु बढ़े सब अच्छा रहे हमें खंड सौभाग्य की प्राप्ति हो तो जैसे ये दो मंत्र हैं इन दोनों मंत्रों में से जो भी मंत्र आपके आसानी से आप उसको पढ़ सकें इस मंत्र की एक माला किसी भी समय प्रातःकाल मध्यकाल संध्या काल कभी भी आप इस मंत्र की एक माला आप कर सकते हैं और करवा चौथ में जिस प्रकार से एक नई दुल्हन होती है है ना सब कुछ नवीनपन नए वस्त्र बहुत अच्छे से इसका क्या मतलब है इसका मायना यही है कि बिल्कुल जैसे आपने भगवान की फ़ोटो देखी है कभी जब आप भगवान की फ़ोटो देखते हैं भगवान राम के स्वरूप को देखते हैं बिल्कुल यंग स्वरूप में भगवान को दर्शाया जाता है आप कृष्ण जी के स्वरूप को देखें कैसे उनकी छटा मनोहारी होती है मन को लुभाने वाली होती है आप जगदम्बा के स्वरूप को देखें कैसे अस्त्रों के आयुधों के साथ उनके उसको चित्रित किया जाता तो वैसे ही जब करवा चौथ आता है तो उसमें अच्छे वस्त्रों को पहनना अपने अपने हिसाब से भाई जैसा भगवान ने दिया है उन वस्त्रों को पहनना सुहाग पिटारी के सामान का प्रयोग करना और अच्छा शरीर लगना अच्छा मन लगना और अच्छा एक रूप आना वो रूप भी सौभाग्य का प्रतीक होता है वो रूप भी दुर्दशा को दूर करता है और कहीं ना कहीं अष्ट लक्ष्मियों को वो आमंत्रित करता है इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है मांग भरनी चाहिए माता सीता मांग में सिंदूर कितने प्रेम भाव से लगाया करती थी तो उसी सिंदूर से एक प्रसंग आपने देखा हो कि भगवती अपने मांग में सिंदूर लगा रही हैं और हनुमान जी देख रहे हैं हनुमान जी ने देखा हे माता ये लाल द्रव्य आप अपने जो मांग में लगा रही हैं ये क्या है और इससे क्या होता है भगवती ने कहा पुत्र इससे आपके राम जी की आयु बढ़ती है यह आयु को वर्धन करने वाला सिंदूर होता अर्थात सिर के बीच में जो सीमंत होती है मांग होती है उसमें जो भी सौभाग्यवती महिला अपने मांग में ये सिंदूर लगाती है उससे उसके पति की आयु बढ़ती है लाल रंग आयु का भी सूचक है लाल रंग प्रेम का भी सूचक है लाल रंग वीरता के भी सूचक है और भगवती को लाल रंग अति प्रिय है आपने देखा होगा दुर्गा देवी का जब भी हम पूजा पाठ करते हैं उसमें लाल रंग के पुष्प लाल रंग का आसन तो लाल रंग भगवती देवी को बहुत प्रिय है और वहाँ जगदम्बा स्वरूपा तो है ही भगवती सीता तो हनुमान जी को जब पता लगता है कि अच्छा इससे भगवान राम की आयु बढ़ती है तो हनुमान जी तो ठहरे हनुमान जी आपको मालूम ही है कि वो सारा लाल द्रव्य अपने ऊपर लगा लिया और दरबार में पहुँच गए कि अब जब भगवती सीता माता जी थोड़ा सा सिंदूर लगा करके राम जी की आयु इतनी बढ़ सकती है तो क्यों ना मैं अपने शरीर को पूरे को लाल रंग के द्रव्य से कर लूँ तो कहने का भाव बेटा शास्त्रों में जो बातें बताई गई है, हैं वो शत प्रतिशत सत्य हैं इसलिए मांग में सिंदूर लगाना सुंदर नुपुर पहनना चूड़ियाँ पहनना श्रृंगार करना श्रृंगार में भी लक्ष्मी बसती है इसलिए ऐसे नहीं है कि हम श्रृंगार इसलिए करते हैं कि हम सुंदर दिखें ना 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 सुंदर दिखना परिभाषा हो सकती है लेकिन श्रृंगार कहीं ना कहीं मन को प्रसन्न करता श्रृंगार घर के अंदर संपत्ति को उत्पन्न करता है श्रृंगार घर की आभा को घर की ओरा को घर के वास्तु को सुंदर बनाता है ना तो श्रृंगार ऐसे दिन जहाँ भगवान की पूजा के साथ श्रृंगार किया जाए और हम एक नवयुवती बन करके एक नए जीवन की शुरुआत करके अर्थात कि आज जैसे हम दिख रहे हैं हे भगवती हे जगदम्बा आज हम बिल्कुल नए बन गए है ना चाहे शादी को बीस साल हो गए तीस साल हो गए कितना भी साल हो गए लेकिन आज बिल्कुल हम सजे सब रहे हैं बस यही सौभाग्य यही रूप हे जगदम्बा आपकी कृपा से सदैव मेरे ऊपर बना रहे तो बड़ा प्यारा वर्त है ये बेटे और मैंने देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं बड़ा इसमें भी ठिठोली डाल देते हैं बड़ा इसको व्यंग के रूप में नाना भाती के मैसेज व्हाट्सएप पर कुछ मिलते हैं तो बेटे उन सब चीज़ों को नकारिए ऐसे मैसेज मत देखिएगा मत सुनिएगा डांटिए उन लोगों को कि आपने क्या धर्म का मजाक बना रखा आप मजाक समझ रहे हैं एक दिन प्यासा रह के देखिएगा है ना तो समझ में आती है बात इसलिए मजाक अभद्र बातें बिल्कुल भी आप उन चीज़ों को आगे ऐसे मैसेज जो आपको भेजता उसको डांटिएगा भाई ये हमारा भारतीय सभ्यता है हमारी सुंदर कल्चर है और आप उसमें एवजर टिप्पणी या उस मज़ाक के रूप में उस चीज़ को प्रस्तुत करके दिखाना वो हमेशा गलत होता है तो हमारे तीज त्यौहार बहुत बड़े तीज त्यौहार हैं साथ ही हमने वो दो मंत्र भी आपको बताए हैं उनमें से जो भी एक मंत्र आप पढ़ना चाहें तो उस मंत्र को जितना भी आपको समय जब भी समय मिले उसे आप पढ़ने का प्रयास करें और दिन में चलते फिरते उठते बैठते जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा आप लोग पढ़ते रहें सर्व मांगल्य शिवेशर्वार सादी के शरणय त्रम्ब के गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र को भी आप दिन में चलते फिरते उठते बैठते खूब पढ़िए सर्व मंगल मांगल्य और जब मांग में सिंदूर लगाएं तो भी इस मंत्र को जरूर पढ़ें सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार सादी के शरणय गौरी नारायणी नमस्तु और बाकी तो देखो आपकी जैसी हम सबकी भावना होती है अपने तीस त्यौहार के प्रति हमें भगवान वैसा ही आशीष देते हैं समझे आप भावना बड़ी है भावनाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं नहीं कि चढ़ाए गए द्रव्यों से तो बस भाव अच्छे रखना अच्छे भाव के साथ अपनी करवा चौथ को मनाइएगा और अपने घर में हंसी खुशी के साथ एक अच्छा माहौल उत्पन्न करने का हम लोग प्रयास करें कई बार पति पत्नी के बीच में भी व्यवनस्थ्य की स्थिति बन जाती है मनमुटाव की स्थिति बन जाती है तो बस करक चतुर्थी से हमें यही अपने मन में भाव रखने हैं कि हमारे घर में जो कोई तनाव भी है तो आज से वो तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और एक प्रेम की उत्पत्ति इस घर में अब हो जाएगी चलिएगा आप सब लोग स्वस्थ रहें सुखी रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और चलते चलते चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया बहुत अच्छा लगा बहुत धन्यवाद और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है हम लोग को मौका मिला है हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी ऐसी नोट शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक हमारे विभिन्न ज्ञान वर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कार्यक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें